हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार आपका फिर से साइंफ ट्यूब पे। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, मैंने आज टूए और स्टेयर केस वायरिंग के बारे में बात करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। ये सर्किट बेसिकली हाउस वायरिंग के लिए यूज होती है। लैंप या लाइट को दो अलग अलग डिस्टेंस से या दो अलग अलग स्विचेस से दो अलग अलग जगह से कंट्रोल करना रहता है। ये बहुत अच्छी वायरिंग होती है। इसका इस्तेमाल जो है हाउस में और होम में या फिर कहीं भी रिक्वायरमेंट जहाँ हो, बेसिकली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है टू वे वायरिंग। तो उसकी सर्किट हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, तो उसमें मैंने दो तरह के सर्किट ड्रॉ किए हैं, पहले और दूसरे। तो हम बात कर लेते हैं इनके वर्किंग प्रोसेस का, कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहली सर्किट में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, हमने दो ये टू वे स्विच है, ये लैंप है, दो टू वे स्विच लिया है। न्यूट्रल को हमने डायरेक्टली लैंप में कनेक्ट कर दिया है। ये लैंप लोड होता है, चाहे आप लैंप डालें या फैन डालें या कोई भी इक्विपमेंट जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो इसका सर्किट देख रहे हैं, हमने अपर टर्मिनल को दोनों को एक दूसरे से शॉर्ट कर दिया है और इसके लोअर टर्मिनल को भी शॉर्ट कर दिया है। अब फेस जो है हमने एक स्विच के सेंट्रल में डाला है और यहाँ के दूसरे वाले के सेंट्रल से उठा करके हमने लैंप को दिया है। तो वर्किंग कैसे करता है, जब हम फेस सप्लाई ऐसे ऑन करते हैं तो अगर हमारी सर्किट अप रहती है तो सप्लाई कुछ इधर आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद अगर ये वाला सर्किट स्विच भी अप रहता है तो अप से अप यहाँ पे चला जाएगा। अगर ये अल्टरनेटली डाउन रहता है तो लाइट नहीं जलेगी। उसी तरह अगर ये स्विच ऑन मतलब डाउन कंडीशन में है तो इस तरह से आएगी सप्लाई और यहाँ पे आके रुक जाती है। अगर ये स्विच दूसरा वाला ये भी डाउन होता है तो सप्लाई कुछ इस तरह से जाके यहाँ पे चली जाएगी। और अगर ये डाउन नहीं होता, अप हो जाता है, तो सर्किट की सप्लाई यहीं पे रुक जाएगी और ये दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो लैंप आगे ग्लो नहीं होगा। तो दूसरा जो हमने सर्किट बनाया है उसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो जानेंगे। तो दूसरे सर्किट हमने क्रॉस करके कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये सर्किट तो हमने देख रहे हैं, यहाँ पर पावर सप्लाई यहाँ आता है, उसके बाद अगर ये डाउन रहता है सप्लाई या फिर अप, हमने अप पे पहले देखते हैं, हम अगर ये अप रखते हैं यहाँ से ऐसा आता जाएगा और यहाँ से होते हुए यहाँ चला आएगा। उसके बाद अगर ये स्विच डाउन रहता है तो लैम्प जलेगा, अगर अप रहता है तो लैम्प नहीं जलेगा क्योंकि यहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से डाउन अप हो जाएगा तो सप्लाई यहीं पर रुक जाती है। और अगर ये कंडीशन डाउन हो जाती है कुछ इस तरह से ऐसा डाउन, तो सप्लाई यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आने के बाद अगर ये स्विच अप है तो लाइट ग्लो होगा, डाउन है तो नहीं ग्लो होगा। अब दोनों सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, इधर से ही कीजिए इधर से कीजिए। डिफरेंस जरा सा है खाली स्विच की पोजीशन का कुछ ऐसा है। जैसे कि मान लीजिए हमको इसको, इसमें क्या खासियत है कि जो अगर स्ट्रेट कनेक्शन किए हुए करेंगे हम लोग तो दोनों स्विच पर्टिकुलरली सेम डायरेक्शन में होना चाहिए लैम्प को ग्लो होने के लिए। यानी अगर ये अप है तो ये भी अप रहेगा तो ग्लो हो जाएगा, अगर ये डाउन है तो ही ग्लो होगा। दोनों में से कोई भी अगर सेम नहीं हुआ, यानी एक अप है दूसरा डाउन है, तो लैंप ग्लो नहीं होगा। ये पहली स्विच का, फिर से मैं बता देता हूँ, इस सर्किट में दोनों स्विच एक डायरेक्शन में होना चाहिए लैंप को ग्लो होने के लिए। यानी ये भी अप तभी ग्लो होगा, या फिर ये भी डाउन तो भी ग्लो होगा। अगर दोनों में से कोई एक अप है दूसरा डाउन है तो नहीं ग्लो होगा। दूसरी सर्किट में देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या है, इसमें ग्लो होने के लिए दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों अल्टरनेटली अप या डाउन होना चाहिए। यानी ये दोनों अगर ये अप है ये डाउन है तो कुछ इस तरह से होके चला जाएगा, या फिर ये डाउन है ये अप है तो कुछ इस तरह से चला जाएगा। अगर दोनों सेम हो गए तो लैंप बंद हो जाएगा। इसमें दोनों सेम होने पे लैंप ग्लो होता है, इसमें दोनों सेम होने पे लैंप बंद होता है। इसमें दोनों में से कोई एक अल्टरनेटली अप और डाउन रहता है तो लैंप बंद हो जाता है, इसमें दोनों में से कोई भी एक अप या डाउन होता है तो लैंप ग्लो होता है। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं, आप चाहे ऐसा करें ऐसे करें दोनों सेम काम करता है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो रिप्लाई करें हमें, और कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी, सजेशन है तो भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।